हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री वर्ल्ड। तो देखिए, आज हम एक नया चैप्टर फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। इस चैप्टर का भी सॉल्यूशन हम देखेंगे वन बाय वन अगेन, सिमिलर टू दैट ऑफ आइसोमेरिज्म चैप्टर, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन का चैप्टर है, एल्काइल हैलाइड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। तो क्वेश्चन नंबर वन से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर वन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी इंटरमीडिएट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। हमें बेसिकली उनको बताना है कि फ्रॉम दिस रिएक्टेंट ऑन रिएक्शन विद H2O वी विल गेट दिस कंपाउंड, ठीक है। और हमें बताना है कि इन चारों में से कौन कौन से इंटरमीडिएट नहीं बन सकते, ठीक है। आइए देखते हैं। तो इनिशियली कंपाउंड जो गिवन है हमारा, दैट इज साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। एक साइक्लिक कंपाउंड हम बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा साइक्लिक कंपाउंड हो गया, और इस पर यहाँ पर आपका एक CH3 लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपका एक आयोडीन, ठीक। हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं H2O से, ठीक है। तो अगर आप सबस्ट्रेट देखें तो सबस्ट्रेट हमारा क्या है, 2 डिग्री, ठीक है। और जो सॉल्वेंट हमने लिया है, दैट इज पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। अगर पोलर सॉल्वेंट है तो फेवर करेगा किसको, SN1 को, ठीक है। क्योंकि फेवरेबल कंडीशन ही होती है SN1 की, कि सॉल्वेंट क्या हो, पोलर हो, ठीक है। तो जब पोलर सॉल्वेंट होगा तो इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस फर्स्ट ऑफ ऑल लिविंग ग्रुप निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। कार्बोकैटायन जनरेट हुआ, तो ये हमारा कार्बोकैटायन जनरेट हो गया, ठीक है। यहाँ कार्बोकैटायन आ गया, ऊपर हमारा अगेन CH3। अब अगेन इसकी क्या हो सकती है, रीअरेंजमेंट हो सकती है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, अब रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, तो एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो 1.2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, ठीक है। जब हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो यहाँ वाली हाइड्राइड यहाँ पर आकर लगेगी, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पर CH3 एंड ये प्लस, ठीक है। ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, अब ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया, ठीक है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब फर्दर कार्बोकैटायन की रीअरेंजमेंट नहीं हो सकती, ठीक है। अब फर्दर रीअरेंजमेंट सिंस नहीं हो सकती, तो अब वाटर मॉलिक्यूल की आप क्या करा रहे हैं, एडिशन करा दें, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा, इसके लोन पेयर क्या करेंगे, इसको लोन पेयर अटैक करेंगे, इस पर डोनेट करेंगे। जैसे ही डोनेट करेंगे तो आपको CH3, ठीक है, वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड सिंस ऑक्सीजन डोनर एटम है तो इसे प्लस चार्ज अक्वायर होगा, ठीक है। अब सिंस ये ऑक्सीजन क्या है, प्लस चार्ज है, जबकि ये लेस स्टेबल होगा, तो ये जो लोन पेयर है किसी भी एक हाइड्रोजन का, ये जो बॉन्ड पेयर है अपनी ओर खींच लेगा और H+ रिलीज कर देगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको प्रोडक्ट जो कंपाउंड गिवन है वही आपको मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ये प्रोडक्ट मिलती है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि हमारा कौन कौन सा रिएजेंट इसमें फॉर्म। तो फर्स्ट अगर हम ए की बात करें तो क्या ये रिएजेंट हमारा फॉर्म हुआ, नहीं, तो हमारा ऑप्शन ए ही सही होगा, क्योंकि बी वाला रिएजेंट हमारा फॉर्म हुआ है हियर दिस वन, ठीक है। सी वाला भी फॉर्म हुआ है यहाँ पर, एंड डी वाला तो इनिशियली फॉर्म हुआ था जब जैसे ही लिविंग ग्रुप निकला था, तो हमारा ऑप्शन जो है, ठीक है, हमारा ऑप्शन ए हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आपको। बेसिकली SN1 में क्या होता है कि रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन होते हैं, जिससे वजह से हम एक्सपेक्टेड जो मॉलिक्यूल जनरली हम जो सोचते हैं कि जाके एडिशन हो जाएगा डायरेक्टली, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, वो ऐसा नहीं होता है, उसमें रीअरेंजमेंट हो जाती है, ठीक है, एक्सपेंशन भी हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इनकी रिएक्शंस होती हैं, आपको समझ में आया होगा। तो ये थी हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की सॉल्यूशन, ठीक है। अब आने वाले वीडियोज में अगेन और वीडियो एक ही मैं क्वेश्चन बताता हूँ, ताकि वीडियो की लेंथ बड़ी ना हो, आपको भी बोरिंग ना लगे, ठीक है। एक बार में एक क्वेश्चन आप आराम से देखें, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर सेकेंड उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। टिल दैट थैंक यू सो मच।